जय श्री केदार। स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का देवस्थान एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको सावन के इस पावन पवित्र महीने की जो शुरुआत है उसका आज पहला दिन है। आज सावन का पहला सोमवार है दोस्तों, और 5 सोमवार इस बार के सावन में आने वाले हैं। और सावन का महीना दोस्तों हम सब शिव भक्तों के लिए बहुत ही विशेष टाइम रहता है भगवान शिव की पूजा करने के लिए। और ऐसे में अगर केदारनाथ की यात्रा करने का सौभाग्य मिल जाए तो कौन नहीं चाहता। और इस समय दोस्तों जो खास बात है वो आपको सीधे मंदिर के गर्भगृह तक आप जाके दर्शन कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप लोगों के दर्शन अंदर गर्भगृह में हो जाते हैं और पूजा अर्चना करने का आपको समय वहाँ मिल जाता है। जबकि मई जून में दोस्तों ये कल्पना भी नहीं कर सकते, गर्भगृह तक जाने में लोग 5,000-5,000 रुपये की VIP पर्चियाँ यहाँ से लेते हैं और तब जाके वो गर्भगृह तक जाके पूजा कर पाते हैं। और वो अब आप इस समय सावन के महीने में सीधे बाबा के गर्भगृह तक जाके जो है दर्शन कर पाएंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप कैसे इस समय सावन के महीने में बाबा केदारनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ इस यात्रा को करना चाहते हैं सावन के महीने में, अगर आप केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो बहुत ही कम प्राइस में हम लोग आपके लिए पैकेज उपलब्ध करा रहे हैं। मात्र 7,000 रुपये में आप केदारनाथ यात्रा को कर सकते हैं। और अगर आप दो धाम यात्रा करना चाहते हैं तो वो 9,500 रुपये के प्राइस में आप दो धाम यात्रा इस समय सावन के महीने में कर सकते हैं दोस्तों। यही प्राइस मई जून के अंदर आपको दोस्तों जो देखने को मिलते हैं वो 12,500 रुपये केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए 18,500 रुपये तक जो है चार्ज किया जाता है। लेकिन सावन के महीने के लिए स्पेशल ऑफर है क्योंकि इस समय यहाँ पर प्राइस कुछ कम हो जाते हैं और आप लोगों के लिए विशेष डिस्काउंट के साथ हम इस यात्रा को इतने कम बजट में कराने का लक्ष्य हमने रखा है दोस्तों। तो आप भी इस पैकेज को बुक कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप से आप हमारी इटनरीज डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आप बात कर लेते हैं इस समय मौसम की केदारनाथ की। तो दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर कल निकल के सामने आई थी कि केदारनाथ में जो है 3 लोगों को स्लाइड की वजह से मृत्यु हो गई है दोस्तों, जो कि चीरबासा के पास हुई है। गौरीकुंड से आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो 1.5 से 2 किलोमीटर के ऊपर चीरबासा एक जगह आती है। लास्ट ईयर भी वहाँ एक स्लाइड हुआ था और काफ़ी बड़ा पत्थर वहाँ आके गिर गया था, और ऐसा ही इस बार हुआ। इस बार की जो स्लाइड है वो कुछ ज़्यादा रही, और अचानक से जैसे ही यात्री वहाँ से पार कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, तो अचानक ऊपर से पत्थर गिरे और वो लोग मलबे के अंदर ही दब गए दोस्तों। तो इतना दर्दनाक हादसा केदारनाथ में कल देखने को मिला है दोस्तों। दरअसल इस तरह की खबरें दोस्तों यहाँ अक्सर होती रहती है, स्लाइड इन दिनों में कुछ ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो मौसम को देखते हुए और यात्रा ट्रैक को देखते हुए ही आगे यात्रा करें, और पहले आप अपडेट इस चीज़ के लिए जरूर रहें कि मौसम कैसा रहने वाला है। आने वाले 8 से 10 दिन का मौसम आप वहाँ देख के ही यात्रा में आए। फिलहाल मौसम अच्छा है, चुटपुट बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज बारिश इस समय केदारनाथ घाटी में नहीं है, और 1 से 2 दिन के बाद फिर से बारिश बढ़ने के अनुमान है। लेकिन फिलहाल यात्रा आसानी से हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, ज़्यादा तेज बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी आसानी से आप 10 से 15 मिनट के अंदर ही दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। कोई लाइन नहीं है, आप सीधे ही जा रहे हैं और केदारनाथ मंदिर में आप दर्शन कर रहे हैं, और अंदर गर्भगृह तक जाके दर्शन आपको करने का सौभाग्य इस समय मिल रहा है दोस्तों। तो आप भी प्लान कर सकते हैं, आप भी आ सकते हैं इस समय अगर आप यात्रा करना चाहते हैं। और अगर आप प्लान करना चाहते हैं इस समय 4 धाम यात्रा का, तो कोई ऐसा खास डर नहीं है, 1-2 से 2 दिन का समय एक्स्ट्रा मैनेज करके आइए और बड़ी आसानी से आप इस यात्रा को इस समय पर भी कर सकते हैं दोस्तों। इस समय भीड़ सबसे ज़्यादा कम रहती है, फैसिलिटीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अगर आप भी प्लान करना चाहते हैं और आप भी इस समय यात्रा में आना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, अपनी सीट आप बुक करा सकते हैं दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ। मैं नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।